chapter 16 we have also discussed that there are three tenses. There are present, past and future, and every tense, that means in each tense we have four forms. मतलब हर एक टेंस में फोर फॉर्म्स होते हैं. टेंस के फोर फॉर्म्स होते हैं. अब क्या होता है, दे आर सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो ओपन पेज नंबर 18 एंड लुक एट योर बुक व्हाट इज गिवन देयर. रीड दी सेंटेंसेस. Some examples are given here. I am watching television. Number 2, they are reading in the library. Number 3, Swati is working on the computer. Okay, first one, I am watching television. They are reading in the library. Swati is working on the computer. The words printed in bold are verbs and they are in present continuous tense. If you have opened your book, you can see there are three examples are given. I am watching television, they are reading in the library, and Swati is working on her computer. Okay, on the computer. So in these examples, some words, group of words are written in bold letters, dark letter mein likha gaya hai. Like in first, I am watching, second, are reading, third, is working. Okay, to ye sare jo hai bold letter mein likha hai. To ye jo bold letter mein likha hai, ye kya hai? ये सेंटेंस में वर्ब है एंड दे आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये वर्ब जो है कौन से टेंस के फॉर्म में है, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. दे टेल अस अबाउट द एक्शंस व्हिच आर स्टिल गोइंग ऑन. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस जो एक्शन, जो वर्ब होता है, जो काम होता है, जिस जो टाइम पे हम बात कर रहे हैं वही टाइम पे वो जो काम होता है वो कंटिन्यू होता है. दैट इज स्टिल गोइंग ऑन एट दैट टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट. ओके, so the present continuous tense tell us about that action that going on at the time of speaking. जो time पे हम बोलते हैं वो time पे काम जो है वो चल रहा होता है, continue होता है. clear? so form of the present continuous tense. तो tense जो sentence में हम present continuous tense use करके कैसे लिखेंगे, कैसे form करेंगे sentence. how do you form a sentence in present continuous tense? okay, I have written some examples here. Look at the board. First one I have written here. I am playing. She is reading a book. They are watching TV. I am playing. She is reading a book. They are watching TV. All these sentences have been written in present continuous tense. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको? I जो है subject. सी सब्जेक्ट, दे जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब इधर क्या है, आई एम प्लेइंग, इज रीडिंग, आई एम वॉचिंग. ओके, तो सेंटेंस में जब ये टेंस के हिसाब से हम लिखते हैं, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ वर्ब चेंज हो गया, सब्जेक्ट जो है वही रहेगा, वो चाहे सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है. सिर्फ चेंज क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो चेंज होते हैं. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, तो क्या है इसमें, आई एम प्लेइंग, इज रीडिंग एंड आर वॉचिंग. ओके, तो फर्स्ट वन आई टेल यू, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, इट्स रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका फॉर्म क्या हुआ, कौन से फॉर्म में हम लिखे, सब्जेक्ट प्लस एम एंड आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब वर्ब क्या था, प्ले था, प्ले प्ले में हम आई एन जी ऐड कर देंगे तो इट विल बी प्ले. सो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, देन एम, देन आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो आई एम प्लेइंग. इन सेकंड सेंटेंस, सी, शी इज द सब्जेक्ट, देन इज एंड आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, रीड. यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ, रीड, सो रीड का रीडिंग, सो सी इज रीडिंग अ बुक. इन थर्ड सेंटेंस, दे, दे इज सब्जेक्ट, आर वॉचिंग. तो इधर हम कैसे लिखें, सब्जेक्ट प्लस आ प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई एन जी फॉर्म इधर क्या हो, वर्ब जो है वॉच, वॉच का आई एन जी फॉर्म वॉचिंग. तो हम सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब सेंटेंस लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज और आम, या तो आर या तो इज.
written here, so all of you have to learn it. Okay. Okay, now turn the page number 82. Simple present tense and present continuous tense. So simple present and present continuous, what is given here? Read the following sentence. I play in the park. Example 2, I am playing in the park. See, in sentence 1, the verb play in simple present tense, it tells us I do, usually as a habitual action. We have already discussed in simple present, that simple present, what should we use? When it is written in, when we are discussing about habitual action or permanent, both time we have simple present use karenge. Okay. In sentence 2, the verb I am playing is in the present continuous tense. It tells us about I am doing the present, that means at the time of speaking. Okay. So that is the difference between them. Simple present जो होता है वो habitual action या permanent truth पे use होता है and present continuous जो होता है वो कौन सी जगह पे use होता है the work when the work is going on at the time of speaking. Okay, so I think all of you clear about the present continuous tense. Okay, so thank you.